अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 1 के जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास न्यूरॉन, रिफ्लेक्स एक्शन, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शंस। इन तमाम टॉपिक्स को हम वन बाय वन जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है न्यूरॉन, कि न्यूरॉन क्या होता है। जैसा कि हमने पहले नर्वस सिस्टम में पढ़ा है कि न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन, जिसको हम नर्व सेल भी बोलते हैं, किसी भी हमारे बॉडी में जो नर्वस सिस्टम होता है उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। यानी नर्वस सिस्टम न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ है और नर्वस सिस्टम का मेन काम भी न्यूरॉन ही परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब ये नर्व सेल का थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, कि कैसा होता है। Neurons are similar to other cells in the body. Like they contain cell membrane, nucleus, cytoplasm and organelles. कह रहे हैं कि न्यूरॉन जो है वो बॉडी के दूसरे सेल्स नॉर्मली जो प्रेजेंट होते हैं, जिनमें सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेली, उन्हीं की तरह का एक सेल है, ठीक है। बट डिफरेंस क्या है? न्यूरॉन्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर सेल्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। न्यूरॉन किस बेस पे दूसरे सेल से डिफरेंट है? कि कुछ स्ट्रक्चर जो हैं नॉर्मल सेल में नहीं होते लेकिन न्यूरॉन में प्रेजेंट होते हैं। वो स्ट्रक्चर कौन से हैं? स्पेशलाइज्ड एक्सटेंशन होती हैं न्यूरॉन सेल में, जो कि नॉर्मल सेल में मौजूद नहीं होती। इसके अलावा डेंड्राइट्स होते हैं, ब्रांचेज होती हैं, जो कि दूसरे जो हमारे पास सेल्स हैं उनमें मौजूद नहीं होती। और साथ में एक्सॉन्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि नॉर्मल सेल में मौजूद नहीं होते। तो ये वो तीन स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एक नॉर्मल सेल और एक न्यूरॉन सेल को आपस में डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब हम देखते हैं कि एक टिपिकल जो न्यूरॉन होती है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो न्यूरॉन जो है बेसिकली उसके थ्री मेन पार्ट्स होते हैं। न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ डेंड्राइट्स, सेल बॉडी एंड एक्सॉन, ठीक है। इनको हम डायग्राम की मदद से देखते हैं। ये हमारे पास एक न्यूरॉन सेल है, ये जिसको न्यूरॉन नर्व सेल भी बोलते हैं, ठीक है। अब थ्री बेसिक पार्ट इसके कौन कौन से हैं, या जैसे आप देख सकते हैं, ये डेंड्राइट्स होते हैं, ये जो ब्रांचेस हैं, ठीक है, ये डेंड्राइट्स हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है जिसको हम सेल बॉडी या सोमा कहते हैं, जिसके अंदर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और दूसरे ऑर्गेनेल्स होती है, और यहाँ से जो ब्रांचेज राइज होती हैं उनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है एक थ्रेडलेस स्ट्रक्चर अराइज होता है सोमा से, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्सॉन बोलते हैं, ठीक है, एक्सॉन बोलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है एंड पे हमारे पास एक्सॉन में क्या मौजूद होती हैं? ये ब्रांचेस होती हैं, जिसको एक्सॉन टर्मिनल हम बोलते हैं, ठीक है। अब एक्सॉन के इर्द-गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है जिसमें स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं। उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? ये स्पेशल टाइप के सेल्स न्यूरॉन उसकी मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं, एक्सॉन की मेम्ब्रेन में। उनको बोलते हैं हम श्वान सेल, ठीक है। श्वान सेल्स होते हैं खास किस्म की, जो है एक फैटी लेयर सिक्रीट करते हैं, ये जो आपको येलो कलर में जो है नज़र आ रही है, ठीक है, जो कि एक्सॉन के इर्द-गिर्द होती है। इस लेयर को हम क्या कहते हैं? माइलिन शीट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है? माइलिन शीट है। अब माइलिन शीट जो है कुछ इंटरवल पे, जैसे आप ये देख सकते हैं, मौजूद नहीं होती, ठीक है। इन जो पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? नोड्स ऑफ रेनवायर, जैसे आप ये यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या मौजूद है? डेंड्राइट्स हैं, सोमा, और इसके बाद एक्सॉन, एंड पे एक्सॉन टर्मिनल होते हैं, माइलिन शीट की कवरिंग होती है। और वो पॉइंट जहाँ पे माइलिन शीट नहीं मौजूद होती एक्सॉन में, वो पॉइंट्स हमारे पास क्या है? नोड्स ऑफ रेनवायर हैं। और डायरेक्शन क्या है नर्व इंपल्स के ट्रैवल करने की? नर्व इंपल्स क्या होती है? मैसेज जिस फॉर्म में जाता है, जिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन की तरफ और टूवर्ड्स द ब्रेन जाता है, उसको हम नर्व इंपल्स कहते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ नर्व इंपल्स क्या होती है? कि डेंड्राइट से सोमा से एक्सॉन, और एक्सॉन से ऑनवर्ड जो है फिर एक्सॉन टर्मिनल से दूसरे सेल्स की तरफ जो है नर्व इंपल्स जो होती है वो ट्रैवल करती है। ये तो हो गया न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर हम जो है न्यूरॉन के जो डिफरेंट पार्ट्स जो हमने देखे, आगे बताए कि थ्री पार्ट्स होते हैं, डेंड्राइट्स, एक्सॉन और सेल बॉडी, इनके फंक्शंस को देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हमारे पास क्या है? सोमा,
ठीक है, सेल बॉडी जिसको कहते हैं, न्यूक्लियस होता है इसमें और दूसरे ऑर्गेनाइज मौजूद होते हैं साइटोप्लाज्म के साथ। तो सेल बॉडी क्या करती है, इट द सेल्स लाइफ सपोर्ट सेंटर, ये सपोर्टिंग सेंटर है किसी भी सेल का। ठीक है, अब यहाँ से जो ब्रांचेज अराइज हो रही होती हैं जिनको डेंड्राइट्स कहते हैं, इनका क्या काम है, इट रिसीव मैसेजेस फ्रॉम अदर सेल, यानी इनका काम है कि बाकी इर्द गिर्द जितने भी सेल्स मौजूद होते हैं वहाँ से ये मैसेजेस लेकर आती हैं टूवर्ड्स द सेल बॉडी। ठीक है, उसके बाद ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर एग्जॉन जिसको हमने कहा था, इसका क्या काम है, पासिस मैसेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू द अदर न्यूरॉन्स मसल्स और ग्लैंड, यानी ये क्या करता है कि ये जो मैसेज है जो सेल बॉडी में होता है इसको, इस मैसेज को सेल बॉडी से दूर लेके जाते हैं टूवर्ड्स किसकी तरफ, दूसरे न्यूरॉन सेल की तरफ या फिर दूसरे मसल या ग्लैंड्स की तरफ लेकर जाते हैं। यानी इसका क्या काम हुआ, टू पास द मैसेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टूवर्ड्स द अदर ऑर्गन्स और सेल्स। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास आ जाते हैं ये जो टर्मिनल एंड्स थे। ठीक है, टर्मिनल ब्रांचेज होती हैं एंड्स जिसको हमने कहा था, यहाँ पे ये क्या करती है, फॉर्म जंक्शंस विद अदर सेल, ये दूसरे सेल, अब यहाँ से कोई और सेल स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे कोई और सेल मौजूद होगा चाहे वो न्यूरॉन सेल हो, ठीक है, तो ये दूसरे सेल के साथ जंक्शन बनाती हैं। ठीक है, उनके साथ जो है कम्युनिकेट करती हैं। इसके बाद है हमारे पास, हमने माइलिन शीट की बात की थी, ये माइलिन शीट क्या होती है, माइलिन शीट हमने कहा था कि फैटी लेयर की एक शीट होती है जो कवर करती है किसको, एग्जॉन स्ट्रक्चर को, और प्रोटेक्टिव इन नेचर है, प्रोटेक्ट करती है स्ट्रक्चर को। सो माइलिन शीट क्या है, कवर्स द एग्जॉन ऑफ सम न्यूरॉन्स एंड हेल्प्स टू स्पीड अप द न्यूरल इम्पल्स, और हेल्प करती है कि जो मैसेज है वो जल्दी से, मैसेज जिसको हम नर्व इम्पल्स भी कहते हैं, वो जल्दी से जो है कन्वे होकर दूसरे सेल्स की तरफ जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो मैसेज है, ये मैसेज जो है सेल बॉडी से इधर एग्जॉन की तरफ आ रहा है और बहुत इस तरह ट्रैवल करता है, एक पॉइंट से यहाँ से ऐसे जंपिंग की फॉर्म में, जब माइलिन शीट होती है तो जंपिंग की फॉर्म में जो है ये ट्रैवल करता हुआ जो है अगले सेल्स तक जाता है। यहाँ पे हमने कहा था कि जहाँ पे ये एब्सेंट होती है कुछ पॉइंट पे, उनको हमने नोड्स ऑफ रेनवायर कहा था। तो इन नोड्स, नोड टू नोड जो है ये नर्व इम्पल्स यानी ये जो मैसेज होता है वो ट्रेवल करता है टूवर्ड्स द होल लेंथ ऑफ द एग्जॉन और फिर टर्मिनल जो ब्रांचेज होती हैं या टर्मिनल एंड्स होते हैं वहाँ से दूसरे सेल की तरफ जाता है मैसेज। ठीक है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन जो है न्यूरॉन्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 3 टाइप्स कौन कौन सी हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड एसोसिएटिव न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन कौन सी न्यूरॉन्स होती हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, सेंसरी न्यूरॉन वो न्यूरॉन है जो कि जो मैसेज है वो रिसेप्टर से टूवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जो है मैसेज लेकर जाती हैं। सो रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैसेज लेकर जाने का काम कौन सी न्यूरॉन परफॉर्म करती हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स। ठीक है, उसके बाद आ जाती हैं हमारे पास मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स कौन सी न्यूरॉन्स होती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मोटर न्यूरॉन है। मोटर न्यूरॉन ऐसी न्यूरॉन्स हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज को लेकर वापस आती हैं टूवर्ड्स द इफेक्टर सेल यानी बॉडी के वो उन पार्ट्स की तरफ जिन्होंने फिर रिस्पॉन्स शो करना होता है। ठीक है, सो सेंसरी क्या करती हैं, फ्रॉम रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैसेज लेकर जाती हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, और हमारे पास मोटर न्यूरॉन्स क्या करती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से टूवर्ड्स द इफेक्टर सेल जो है मैसेज वापस लेकर आती हैं। एसोसिएटिव न्यूरॉन किधर होती हैं, एसोसिएटिव न्यूरॉन बेसिकली कहाँ मौजूद होती हैं, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद होती हैं यानी हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो न्यूरॉन्स मौजूद होती हैं वो हैं एसोसिएटिव न्यूरॉन्स। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मिडल में है, मिडल में क्यों है, क्योंकि सेंसरी सबसे पहले का क्या काम था, रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जाना, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन सी न्यूरॉन है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में कौन सी न्यूरॉन्स हैं, वो हैं एसोसिएटिव न्यूरॉन्स। ठीक है, ठीक, एक तो ये क्या करती हैं, इनका काम क्या है कि ये प्रोसेसिंग का काम करती है, जो इन्फॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन लेकर आती है ये उसको प्रोसेस करती हैं, इंटरप्रेट करती हैं। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग जो है फिर एक जो रिस्पॉन्स जो है उसको प्रोड्यूस करवाती है, मैसेज मोटर न्यूरॉन को देती है, मोटर न्यूरॉन जो है वो मैसेज लेकर इफेक्टर सेल की तरफ
जाता है। तो इसका मतलब है, एक तो ये सेंसरी और मोटर के दरमियान लिंक का भी काम कर रही हैं, ठीक है, इंटरलिंक कर रही हैं, और दूसरा ये क्या करती हैं कि ये हमारे पास जो मैसेज होता है, जो इंफॉर्मेशन आती है, उसको प्रोसेस करती हैं। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में कौन सी न्यूरॉन्स होती हैं, इंटर न्यूरॉन भी बोला जाता है इनको, जो कि मिडल में मौजूद होती हैं सेंसरी और मोटर के। ये हमारी एसोसिएटिव न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन्स जो हैं बेसिकली हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाती हैं और इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करती हैं। तो ये होगी हमारी थ्री टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, अ सडन एंड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। के किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स जो अचानक और बगैर हमारी मर्जी के प्रोड्यूस होता है जो रिस्पॉन्स, उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। स्टिमुलस का हमें पता होना चाहिए कि स्टिमुलस क्या होते हैं। एनी डिटेक्टेबल चेंज इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड स्टिमुलस, ठीक है। कोई भी एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्टिमुलस। तो रिफ्लेक्स एक्शन किसके नतीजे में प्रोड्यूस होता है, इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस जो है प्रोड्यूस होता है, और इसमें ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। सडन रिस्पॉन्स जो है हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है। इसके एग्जाम्पल हम सिंपल ले सकते हैं, जैसे कि आप देखें कि आप एक गर्म चीज़ को जो है सपोज टच किया हमारी फिंगर ने, तो क्या हुआ, ये जो गर्म चीज़ है लाइक ये हीट जो है ये स्टिमुलस का काम कर रही है, ठीक है। जब टच किया तो हमारी जो फिंगर है यहाँ पे रिसेप्टर्स मौजूद हैं स्किन में, ठीक है, जिनका काम क्या है कि वो डिटेक्ट करते हैं स्टिमुलस को। तो इन्होंने डिटेक्ट किया इस स्टिमुलस को। अब इनसे जो मैसेज है, स्टिमुलस का जो मैसेज है, ये कौन लेके जाएगा, यहाँ पे फिर सेंसरी न्यूरॉन्स मौजूद होती हैं जिनका काम क्या है कि वो रिसेप्टर से मैसेज जो होता है, स्टिमुलस जो है वो लेकर जाती हैं टुवर्ड्स द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। तो यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन्स इस मैसेज को रिसेप्टर से लेकर जाएंगी टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में भी कौन सी न्यूरॉन्स मौजूद होती हैं, एसोसिएटिव न्यूरॉन्स, जैसे कि ब्रेन में मौजूद होती हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, जल्दी जल्दी जो है इन इस जो चेंजेस है, जो चेंजेस हुई होती हैं इनको जल्दी से इसको प्रोसेसिंग करता है इसकी, और फौरन जो है मैसेज जो है किसको भेजता है, मोटर न्यूरॉन को। अब यहाँ पे जो ग्रीन कलर की नज़र आ रही हैं वो हैं मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है, और इन मोटर न्यूरॉन के थ्रू जो है मैसेज किसको भेजता है, हमारे इफेक्टर सेल्स को। यानी अब वो इफेक्टर सेल यहाँ पे हमारे क्या है, मसल सेल्स होते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था कि मोटर न्यूरॉन का काम क्या है कि ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से जो है वो मैसेज जो है वापस लेकर जो है किसकी तरफ आती हैं, टूवर्ड्स द इफेक्टर सेल्स। तो फिर इफेक्टर सेल इन टर्न जो है फिर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, और रिस्पॉन्स क्या है कि मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे एंड विड्रॉज, और मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और हाथ जो है, फिंगर जो है वो पीछे खींच ली जाएगी। इस ड्यूरेशन में जो ये पाथवे जो है जिसके दौरान रिफ्लेक्स एक्शन का फिनोमेना परफॉर्म होता है, उस पाथवे को हम बोलते हैं, ये जो ये यहाँ से ऐसे ये जो पाथवे है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। सो रिफ्लेक्स आर्क क्या है, द पाथवे ऑफ अ रिफ्लेक्स एक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है कि किस तरह एक रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो काम करता है हमारी बॉडी में। तो इस तरह ये तो था एक गर्म चीज़ को टच करना, इस तरह पाँव किसी कील के ऊपर आ जाता है और एकदम से जो है हम पाँव हटाते हैं, तो ये भी हमारे सडन इस तरह के रिस्पॉन्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारी बॉडी में कितनी तरह के एक्शंस जो है वो परफॉर्म होते हैं। तो बेसिकली दो तरह के एक्शंस हैं जो कि परफॉर्म करती है हमारी बॉडी। फर्स्ट वन क्या है, वॉलंटरी एक्शंस, एंड द सेकंड वन इज इनवॉलंटरी एक्शंस। वॉलंटरी एक्शंस कौन से एक्शन होते हैं, ऐसे एक्शंस विच रिक्वायर्स थिंकिंग, हमारी बॉडी के ऐसे एक्शन जिसमें जो है हमें सोचना पड़ता है, उसके बाद जो है वो एक्शन परफॉर्म होते हैं। जबकि इनवॉलंटरी एक्शंस ऐसे एक्शंस हैं दैट टेक प्लेस विदाउट थिंकिंग, जो कि बगैर सोचे समझे जो है बॉडी में, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जो है वो परफॉर्म करते हैं। वॉलंटरी एक्शन कंट्रोल्ड मेनली बाय द ब्रेन,
जो वॉलंटरी एक्शंस होते हैं इनको बेसिकली ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है, ब्रेन इनको प्रोसेस कर रहा होता है, जबकि इनवॉलंटरी एक्शंस जो होते हैं इट इज मेनली कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड, यानी स्पाइनल कॉर्ड जैसे कि हमने पहले पढ़ा भी है कि स्पाइनल कॉर्ड भी ऑटोमेटिक और समटाइम्स सडन रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है. सो ये स्पाइनल कॉर्ड इसको वॉलंटरी इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है. सेकेंड, जो हम नॉर्मल डेली लाइफ में जो एक्शंस परफॉर्म करते हैं, उठते हैं, चलते, बैठते, खाते, पीते, ये जितने भी एक्शंस हम परफॉर्म करते हैं, लिखना, पढ़ना, ये सारे एक्शंस जो है हमारे वॉलंटरी एक्शंस हैं जो कि हम सोच समझ कर परफॉर्म हमारी बॉडी करती है, जबकि इनवॉलंटरी एक्शंस जो यूजली लाइफ सेविंग एक्शन होते हैं. लाइफ सेविंग एक्शन का मतलब है कि जो हमें हमें आउटसाइड हार्म से बचाते हैं, इसके अलावा जिसके बगैर जो है लाइफ पॉसिबल नहीं होती. लाइक इनवॉलंटरी एक्शन में हमारी हार्ट बीट आ जाती है, इसके अलावा ब्रीथिंग का प्रोसेस, सांस लेने का अमल, ये लाइफ के लिए ज़रूरी जो है वो फिनोमेनास हैं. और ये एक्शंस जो हैं बगैर सोचे समझे हर वक्त परफॉर्म हो रहे होते हैं. और इसके अलावा लाइफ सेविंग एक्शन में आ जाता है कि जब आपको चोट लगती है तो उस टाइम जो एक्शंस परफॉर्म होते हैं, जब आप किसी हॉट गरम ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, ठीक है, या कील के ऊपर पाँव आ जाता है, तो आपको डैमेजेस से बचाने के लिए भी समटाइम जो है इनवॉलंटरी एक्शन जो है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जो है हमारी बॉडी परफॉर्म करती है. सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने 3 टॉपिक्स को कवर किया, यानी न्यूरॉन, इसके स्ट्रक्चर, इसके फंक्शन के बारे में पढ़ा, इसके अलावा रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क और इसका पाथवे क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन का, इसके बारे में हमने स्टडी किया. और लास्ट पे 2 तरह के एक्शन जो हमारी बॉडी परफॉर्म करती है, इनवॉलंटरी और वॉलंटरी एक्शन के बारे में स्टडी किया. उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी. रिमेनिंग टॉपिक्स के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे. थैंक यू.